सबका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा नोट्स ऐप में जो नया ड्राइंग का टूल बार का ऑप्शन आया है MI 12 में। तो यहाँ पर मेरे पास MI 12 है लेकिन इसमें भी नहीं आया, और आपको उसे इनेबल कैसे करना है। किसी भी शामी के फ़ोन में आप इसे इनेबल कर सकते हैं, और आप उसे इनेबल कैसे करना है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, उससे हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको इनेबल कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये नोट्स ऐप है जिसमें कोई भी नहीं आया है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखा रहे हैं जहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इससे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पर और कुछ नहीं होता है। इनसे आप बैकग्राउंड बना सकते हैं ऐसा, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट अगर आपको बोल्ड करना है जो भी करना है, और यहाँ पर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर आपको टूल बार का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आपको उसे इनेबल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ पर आपको नोट्स ऐप देखने के लिए मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अब, और यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरे को एक छठा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ड्राइंग का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से ड्राइंग कर सकता हूँ, तो ड्राइंग सेव कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इससे आप ड्राइंग सेव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसे इनेबल कैसे करना है, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। पर आप अगर आपका नहीं होता है और आपकी कोई भी खराबी आ जाती है, तो आपको सिंपली ऐप इन्फो में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे क्लियर डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर वो क्लियर डाटा नहीं, यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल अपडेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस अनइंस्टॉल अपडेट्स कर देना है। और उसके बाद आपके सारे अपडेट्स अनइंस्टॉल हो जाएंगे, और ये ऑप्शन हट जाएगा और आपके ठीक हो जाएगी ऐप। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।